चलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं आपको बताने वाला हूँ नथिंग फोन के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा या फिर बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा, बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग भी चल रहा है। एक नथिंग फोन लॉन्च होने वाला है अगले महीने जुलाई में, इसको लॉन्च होने वाला है। ये एक यूनिक तरीके से उन्होंने एक यूनिक बनाया हुआ है। ये जो कंपनी है नथिंग जो फोन है इसको बनाया है कार्ल बी ने, कार्ल बी ने बनाया है, जो को फाउंडर थे वन प्लस के, और उन्होंने सितंबर 2020 में छोड़ दिया था वन प्लस। उसके बाद उन्होंने अपनी खुद का एक कंपनी बनाई जिसमें फाउंडर भी वही हैं और सीईओ वही हैं, कार्ल बी। इन्होंने पिछले साल मतलब 2021 में अपना सबसे पहले नथिंग का जो प्रोडक्ट लॉन्च किया था वो है ईयरबड्स, और अगले महीने मतलब 2022 में जुलाई में अपने पहला फोन लॉन्च करने वाले हैं। इन्होंने अपने इवेंट्स में कहा है कि ये जो फोन है पूरी तरह से एक यूनिक फोन होगा और ये इंडस्ट्री में आके बहुत अपना नाम बनाएगा। ये जो फोन है फ्लैगशिप फोन रहेगा दोस्तों। सबसे बड़ी बात, ये जो फोन रहेगा पूरा स्टॉक एंड्रॉयड रहेगा, सिर्फ नथिंग एक लॉन्चर दिया गया है, बस वो लॉन्चर ही है। साथ में जो उसका पूरा आपका जो पूरा एंड्रॉयड का या बोल सकते हैं पूरा जो लेआउट होगा, पूरा जो उसके अंदर थीम्स या जो भी चीज होती है, जैसे लॉन्चर में थीम्स भी होती है, पर ये लॉन्चर सिर्फ नथिंग लॉन्चर रहेगा, और जो पूरा बैकग्राउंड रहेगा पूरा स्टॉक एंड्रॉयड की तरह रहेगा। और सबसे बड़ी बात, इसमें पूरा प्योर आपको एंड्रॉयड का सपोर्ट मिलने वाला है। कोई भी फालतू के जो एप्स होते हैं ना प्री इंस्टॉल आपको मोबाइल में मिलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। बूटवेयर या बूट लेटर कुछ भी नहीं मिलने वाला, सिंपल आपको एंड्रॉयड फोन मिलेगा, और उसमें कोई भी थर्ड पार्टी ऐप आपके बिना परमिशन के आप इंस्टॉल नहीं होगी। मतलब कि बहुत अच्छा ये होने वाला है, एक सिंपल सा यूनिक पीस मिलने वाला है। इसकी सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो ट्रेंडिंग में क्यों चल रहा है, क्योंकि जो उसका जो व्यू है आप देख रहे होंगे, मैं फोटो ला के दिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पीछे से पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा, पूरा पूछा पीछे का जो केवलब जो पीछे का जो आपका कवर है पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा, आपको अंदर की तरफ दिख रहा होगा कि इसके अंदर क्या है। तो ये इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूनिक हो रहा है क्योंकि ये बहुत अलग है, किसी ने जैसा सोचा नहीं था। उनका यही कहना था कि जो मैं अपना मोबाइल लॉन्च करूंगा नथिंग फोन, ये पूरी तरह से यूनिक रहेगा, कोई भी किसी भी तरह मिलता जुलता नहीं रहा। क्योंकि आज के ज़माने में आप देखेंगे लोग दो कैमरे, तीन कैमरे, चार कैमरे, या बहुत चार पांच कैमरे वाले भी मोबाइल अभी आने लगे, बट ये जो मोबाइल लॉन्च होने वाला है सिंपल ही दो कैमरे के साथ लॉन्च होने वाला है। अब कैमरे की स्पेसिफिकेशन उन्होंने स्पेशली बताई नहीं है, बाकी रूमर्स तो बहुत चल रहे हैं यार कि कोई फ्रंट कैमरा 32 MP का, 32 मेगापिक्सल का, और बैक कैमरा 50 मेगापिक्सल का एंड 8 मेगापिक्सल का, बट अभी कोई इसमें ट्रू नहीं है क्योंकि रूमर्स है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस जो मोबाइल का साइज है 6.65 के लगभग इसका साइज रहेगा, और ये जो है एंड्रॉयड बेस रहेगा जो कि मैंने पहले ही बता दिया। इसमें जो बैटरी रहेगी 4500 mAh की बैटरी रहेगी, मतलब काफ़ी अच्छी बैटरी दी गई है, और साथ में इसमें जो प्रोसेसर रहेगा स्नैपड्रैगन का रहने वाला है, जनरल 7 के ऊपर का ये प्रोसेसर रहने वाला है दोस्तों। ये जो आएगा एंड्रॉयड मैंने बता दिया, एंड्रॉयड 12 के बेस पे आएगा, और साथ में उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि हम इसमें 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट देंगे और 4 साल के लिए आपको सिक्योरिटी अपडेट मिलने वाली है। मतलब ये तो सैमसंग ने भी कर दिया है और बड़ी बड़ी कंपनी सब कर रही है, इन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया कि भैया हम 3 साल के लिए तो आपको सॉफ्टवेयर अपडेट देने वाले और 4 साल के लिए आपको सिक्योरिटी अपडेट इसमें देने वाले। तो सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो फोन है 12 जुलाई को लॉन्च होने वाले हैं, पर ये अगले महीने मतलब जुलाई में लॉन्च हो जाएंगे, और उससे पहले ये अपने 100 ऐसे हैंडसेट है जिनको ये निकालने वाला है। स्टॉक्स एक वेबसाइट के थ्रू वहां पर सेल होंगे, वो है 21 से 23, मतलब जो पहले 100 लोग होंगे ये उनको मिलेगा। अब कैसे मिलेगा, ऑक्शन के थ्रू मिलेगा या फिर क्या उसमें प्रोसीजर रहेगा, तो पहले ये 100 पीसेस निकाल रहे हैं। ये जो पीसेस मिलेंगे 21 to 23 June तक मिलने वाले हैं। ये जो पीसेस उन्हीं को मिलेंगे जो स्टॉक एक्स के थ्रू ऐप के थ्रू अप्लाई करेंगे। क्या प्रोसीजर रहेगी, कैसा रहेगा, ये अभी कोई कंफर्म नहीं है, पर ये मिलेगा ज़रूर। अभी क्या होगा आगे अभी कोई कंफर्म नहीं है, बट मोबाइल आने के बाद पता चलेगा। अभी किसी के पास अभी फिजिकली तो आया नहीं क्योंकि ऑफिशियली लॉन्च ही नहीं हुआ है। जब ये लॉन्च होंगे उसके बाद पता चलेगा कि इसमें क्या है, कैसा यूज़ होना है, तो उसके बाद पता चलेगा। इसका जो रेट है अभी कोई कंफर्म नहीं है, फिर भी 25,000 के लगभग ये रेट होने वाला है, 20 to 25,000 के लगभग ये रेट होने वाला है, क्योंकि जो स्पेसिफिकेशन है हाई लेवल की है। मुझे ऐसा लगता है कि 20 to 25 तक इसकी रेंज में ये रोल आउट करा जाएगा, और ये फ्लिपकार्ट पे ही सेल चालू होगी। कब जैसे ही सेल चालू होगी मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों। यही नया अपडेट था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए, कुछ यूनिक चीज है, और मुझे तो बहुत शानदार लगा ये वाला पीस। हुआ तो अगर मैं भी इसको बाय करने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, और सबसे जरूरी चीज दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल की नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले, और हो सके तो मैं इंस्टाग्राम पेज फॉलो करना भी ना भूलें, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू।